कोविड वायरस को लेकर वैवाहिक समारोह में लोगों को शामिल करने के मामले में भारी ऊपों को सीएम योगी आदित्यनाथ के एक स्पष्ट निर्देश ने समाप्त कर दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने वैवाहिक समारोह को लेकर स्पष्ट निर्देश दिया है कि लोग कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, इसके लिए किसी के भी आदेश की कोई जरूरत नहीं है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि वैवाहिक समारोह का आयोजन केवल सूचना देने के साथ कोविड प्रोटोकॉल और गाइडलाइन के सभी निर्देशों का पालन करते हुए कर सकते हैं। इसमें भी शामिल होने वाले 100 लोगों की संख्या में बैंड पार्टी तथा डीजे के साथ ही काम करने वाले अन्य लोग शामिल नहीं हैं। उन्होंने कहा कि वैवाहिक या किसी भी मांगलिक कार्यक्रम के लिए पुलिस या प्रशासनिक अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर प्रदेश में कहीं से भी समारोह में पुलिस तथा प्रशासन की तरफ से दुर्व्यवहार की शिकायत आई तो होगी सख्त कार्रवाई। इसके साथ ही इस प्रकार के किसी भी मामले में अधिकारियों की भी जवाबदेही तय होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समारोह के लिए निर्धारित लोगों की संख्या पर भी स्थिति स्पष्ट की है। उन्होंने कहा कि बैंड पार्टी, डीजे टीम या अन्य कर्मचारी लोगों की निर्धारित संख्या में शामिल नहीं होंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश के मुताबिक जिलाधिकारी स्वयं शादी स्थल जाकर निरीक्षण करें या फिर अधीनस्थ अधिकारी को भेजकर आदेश का सख्ती से पालन करवाएं। किसी भी शादी में 100 से ज्यादा मेहमान होने पर जुर्माना लगाकर कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री का बेहद सख्त निर्देश है कि इस मामले में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। रिपोर्ट IPN।